ये हमारे पास क्या है, एंकर फास्टनर है, तो इसको हम फिट करने वाले हैं सीलिंग में। इसको सबसे पहले तो हम ड्रिल मशीन से होल करेंगे मेजरमेंट लेके जहां पे हमारा आने वाला है, उसके बाद इसको फिट करेंगे। फिट करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको पाना बोलते हैं, 17-18 का पाना है। तो इससे हम क्या करेंगे, होल मारने का इसको फिट करेंगे, इससे टाइट करेंगे। उसके बाद हम ये पंखे का पाइप लगाएंगे, पंखे का पाइप हो गया और ये रबर क्लैंप हो गया। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट से मेजर ले लेते हैं कहाँ पे हमारा हुक फिटिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फोर सीलिंग होने वाला है, तो उस हिसाब से मेजर टाइप से मेजरमेंट ले लेते हैं। तो मेजरमेंट लेने के बाद जो हमारा क्लैंप है एंकर फास्टनर का, उससे मार्किंग करके ले लेंगे। फिर उस हिसाब से हम ड्रिल मशीन से होल करेंगे अच्छे तरीके से, और होल करते समय अच्छे ध्यान देना पड़ता है, मशीन कभी कभी झटका मारता है, तो होल कभी भी मारेंगे तो होल अच्छे से मारेंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो ये दोनों होल को हम अच्छे से मार के ले लेते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, जो इसका जो पेच होता है, पेच को अच्छे से ठोक लेंगे। दोनों पेच को ठोकने के बाद उसके बाद हम इसका क्लैंप है, क्लैंप को उसमें फंसा के नट बोल्ट उसका टाइट कर देंगे। ये हमारा क्लैंप है, क्लैंप को अच्छे से टाइट करके ले लेते हैं रिंच पाने से। तो हम क्लैंप को अच्छे से टाइट करके ले लेने के बाद हम पंखे का पाइप लेते हैं। पंखे का पाइप हमारा 3 फुट का है, तो हाइट ज़्यादा है, तो वही हिसाब से हम पंखे का पाइप हमने 3 फुट का लिया है। और 3 फुट का पाइप लेने के बाद इसका जो रबर क्लैंप है, रबर क्लैंप को अच्छे से टाइट करके ले लेते हैं, और भी चेक करके लेंगे हमारा पाइप नट बोल्ट ढीला तो नहीं है। तो ये हमारा क्लैंप को टाइट करके लेने के बाद उसमें क्वार्टर पिन है, क्वार्टर पिन भी हम डाल के ले लेंगे अच्छी तरीके से। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि जब भी हम ऐसे इलेक्ट्रिक रिलेटेड वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ये हमारा क्वार्टर पिन है, क्वार्टर पिन को भी फंसा लेते हैं, नट को भी टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो पकड़ की जरूरत है, पकड़ से हम नट बोल्ट को अच्छे टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद क्वार्टर पिन को देख सकते हैं, क्वार्टर पिन हमारे हाथ में है, तो इसको हम फंसा लेते हैं उसमें। फंसाने के बाद हमारा ये हो गया काम कंप्लीट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।